बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक खैरियत से होंगे। यार आज फ्राइडे है, जैसा कि आप सबको मालूम है, मैंने पहले ही बताया हुआ था, 2 दिन हो गए हैं कि भाई फ्राइडे को ना हम अपना सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर का। मैं आपको जो आपके क्वेश्चन हैं उनका आपको करूंगा आंसर, आपको जवाब दूंगा आज। और उसके साथ आज आपको ना थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूंगा कि, और आज मैं जा रहा हूँ जनरल हॉस्पिटल, आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर कोई इमरजेंसी है या आप लोग बीमार हो तो आप जनरल हॉस्पिटल में जाकर किस तरह आप लोग जो है ना एमरजेंसी में सस्ती मतलब के नॉर्मल सी फीस में आप लोग अपना इलाज भी करवा सकते हो, जिनकी इंश्योरेंस वगैरह नहीं पे हो रही वो भी। तो आज चलते हैं जनरल हॉस्पिटल, साथ में आपको अपनी डेली रूटीन भी शेयर करता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद फिर वापसी पर फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर का सेशन। जी, जैसा कि मैं अभी बैठ चुका हूँ बस में, अभी बस में बैठ के मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना रास्ते में था तो टाइम नहीं मिला कि मैं अभी बस में बैठ गया हूँ। बस वही चल पड़ रही है, तो यहाँ पे सोमो स्क्वायर से बस मिलती है, जनरल हॉस्पिटल की 4 नंबर बस जाती है, तो अभी निकल पड़े हैं जनरल हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, ये जो साइप्रस में निकोसिया सिटी की जो ट्रैफिक है ना यार, इसका हाल बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरी एक्स की जो व्हाट्सअप था ना उस पर हाल था। बहुत ट्रैफिक होती है भाई, जब भी आप बस समझ लो कि फ्री नहीं किसी टाइम मिलेगी, ट्रैफिक हर वक्त। हाँ जी, देखो जी, हम पहुँच गए जनरल हॉस्पिटल के स्टॉप पर, बस स्टैंड है उसके सामने ही बस स्टॉप, बैक साइड पे पार्किंग है जनरल हॉस्पिटल की। जी दोस्तों, तो यार अभी हम ना पहुंच चुके हैं जनरल हॉस्पिटल के स्टॉप पर, ज्यादा टाइम नहीं, ऑलमोस्ट 17 मिनट लग गए हैं उधर से स्केर से यहाँ तक आने में, यानी कि जो निकोसिया बस स्टैंड है वहाँ से लेके यहाँ पर 17 मिनट ही लगे हैं, 17 मिनट में बस ने पहुँचा दिया। तो मैं जनरल हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरे को एक प्रॉब्लम थी, तो अभी जो है ना जनरल सर्जन है उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट बल्कि मैंने पहले बुक की हुई है। ये है जी जनरल हॉस्पिटल का एंट्रेंस गेट है, ये हम यहाँ से अंदर एंटर। जी दोस्तों, तो मैं यार पहुँच चुका हूँ जनरल हॉस्पिटल। मैं बेसिकली ना एक प्रॉब्लम थी मेरे को ना, जिसकी वजह से मैंने अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी 3 दिन पहले की, 3 दिन पहले से अपॉइंटमेंट ली हुई है, आज की मेरी अपॉइंटमेंट है अभी 11 बजे की। तो अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, एक जनरल सर्जन उससे अपॉइंटमेंट ली है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हुई है, तो अभी देखते हैं। और साथ में मैं सोचा चलें आप लोगों को विजिट भी करा देता हूँ, तो क्योंकि मैं ब्लॉग तो वैसे भी आज बना रहा था तो आप लोगों को विजिट करा देता हूँ जनरल हॉस्पिटल का। आप लोगों को बताओ कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह आप लोग यहाँ पर आके हैंडल करना है, क्या चीज़ है, किस तरह आप लोग चेकअप वगैरह करवा सकते हो। तो चलें जाते हैं अंदर, एंटर होते हैं। हाँ जी यार, जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं ना, तो आपने एंटर होते ही यहाँ यहाँ से ना लेफ्ट साइड पे स्टेयर्स हैं जो नीचे जाती हैं, वहाँ से आप नीचे आ जाओ। नीचे जा रहा हूँ मैं भी अभी। चुका हूँ वेटिंग एरिया में, उधर से ना ले ली है अपॉइंटमेंट वगैरह, अभी ना फाइल वगैरह बनवा ली है, तो अभी वेटिंग एरिया में हूँ, बैठते हैं डॉक्टर के इंतजार में। तो इधर आके आप लोग जब आते हो तो आप लोगों को ना काउंटर पर जाना पड़ता है, जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आते हो, जो भी अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कार्ड, या आप इमिग्रेंट्स हो तो आप अपने एलियन लेकर आते हो, मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप वो वैलिड लेकर आते हो, तो आप लोग जो बिना फ्री इलाज हो सकता है, कोई फीस वगैरह नहीं है इनकी, ज़्यादा लगा ले के 5 यूरो 10 यूरो फीस है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर आप एमरजेंसी में आते हो तो एमरजेंसी में भी ये लोग 10 यूरो लेते हैं, आपको ट्रीटमेंट जो है ना आपका स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ है। तो मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूँ डॉक्टर के, थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है अब, तो देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, साथ साथ आप लोगों को अपडेटेड देता रहूँगा। जी तो मैं आपको विजिट तो नहीं अच्छी तरह से करवा सकता, आप लोग समझ सकते हो कि हॉस्पिटल में वीडियो बनाना ना इस तरह लीगल नहीं है कि आप लोग ऐसे वीडियो बना सको, कि मतलब विजिट है अभी मैं बैठा हूँ तो वेटिंग एरिया में तो वीडियो बना रहा हूँ। तो लेकिन यह है कि अगर आप लोग एमरजेंसी में आते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एमरजेंसी या बुखार है, एमरजेंसी में बुखार जाता है तो एमरजेंसी या एक्सीडेंट है तो एमरजेंसी में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई मेजर प्रॉब्लम है कुछ इस तरह, तो आप लोग पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे या आप लोग यहाँ पर आकर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर काउंटर है बना हुआ, वो आपको बता देते हैं। अगर आज को डॉक्टर वैलिड हो तो ठीक है, ना हो तो फिर वो आपको 2 दिन बाद के, 3 दिन बाद के, जिस दिन डॉक्टर के पास टाइम हो उस दिन की आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, ये चीज़ है। तो लेकिन बेटर यही रहता है आप लोग पहले से अपॉइंटमेंट बुक कर लो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ज़्यादा से इम्पोर्टेंट ना हो,
जिसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स ना भी हों फायर डॉक्टर, किसी के पास नहीं, तो ज़्यादा फीस नहीं, यहाँ पर 30 यूरो लेते हैं डॉक्टर, जो सर्जन डॉक्टर है उसकी 30 यूरो फीस है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 30 यूरो में आपका चेकअप अच्छे से हो जाता है, जो ना आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, तो ये चीज़ है। हाँ जी यार, मैं अभी निकल चुका हूँ हॉस्पिटल से, बाहर आ गया हूँ मेडिसिन ना चेकअप करवा के, डॉक्टर से, सॉरी मेडिसिन कह रहा हूँ, तो सर्जन से चेकअप करा लिया यार। प्रॉब्लम ना मेरे को थी, एक पाइलोडाइन साइनस है, उसकी प्रॉब्लम हो गई हुई है। तो बस आप दुआ करें अपने भाई के लिए कि अल्लाह पाक शफा दे। तो बाकी इंशाल्लाह, डॉक्टर ने जैसे दिखाया, बोला नेक्स्ट थर्सडे तक मेडिसिन उसने लिख कर दी है, बोला फिर चेकअप करवाना, तो इंशाल्लाह फिर चेकअप करवाएंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी से फर्क पड़ जाएगा। तो अभी मेडिसिन उसने लिख कर दी है, अगर ना ठीक हुआ तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है, मेरे को इतना मेजर नहीं। अभी मैं ना स्टार्टिंग ही थी बेसिस की, 1 वीक हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, अगर देर होती तो फिर प्रॉब्लम हो जानी थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस वीक के अंदर अल्लाह पाक शफा भी दे देनी है। तो बाकी यार बात यह है कि अगर आप लोग बीमार होते हैं, जैसे अगर प्रदेश में हम लोग, तो जहर सी बात है फैमिली पास में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो उसी वक्त डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यार लापरवाही बंदा कर दे, चलो यार कोई नहीं, हल्का फुल्का यार देख लेंगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, काम की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, और कोई ख्याल करने वाला नहीं होता, तो और ज़्यादा बहुत परेशानी होती है। मैं ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया काम पे नहीं जा रहा, 10 से ज़्यादा ही हो गया है, तो घर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि काम नहीं भी होता उस तरह से, ना चला फिरा नहीं जाता अच्छी तरह से, तो थक जाता हूँ जल्दी उसी की वजह से। तो अभी अल्लाह खैर करे, उम्मीद है अभी कल का ट्रीटमेंट शुरू किया तो ठीक हूँ, कुछ बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाऊँगा। तो बाकी यार अब ना बात यही थी कि जनरल हॉस्पिटल का आपको करवा दिया टूर, तो यहाँ पर ठीक है, निज़ाम ठीक है इनका, ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, ये सिस्टम के साथ चलते हैं अपने, अपनी अपनी बारी है, ये नहीं कि किसी की सिफारिश है तो वो पहले आ गया या कोई बाद में, जो जिस नंबर पे है उसको उसी नंबर पे चेक करते हैं। तो अभी चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की तरफ, मैं भी बस स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उन्होंने बैंडेज वगैरह किया तो चला खुल के नहीं जा रहा, तो जा रहा हूँ बस स्टेशन की तरफ, बस पे बैठता हूँ, फिर साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन भी देखता हूँ तो उनका रिप्लाई करते हैं। जी तो यार मैं आ चुका हूँ वापस घर। हाँ जी, तो यार अभी मैं आया था, आपको पता ही है, तो मैं ना खाना तो बनाने का हुआ कि भाई बैठे हुए हैं सुबह के ना, पापा के पैसे हलाल कर रहे हैं कंबल के अंदर, तो अभी ना आलू वाले पराठे ऑर्डर कर लिए हैं। ये देखो जी, वो कहते हैं ना मैं ये ऑर्डर करके वीडियो बना रहे हैं, तो भाई इन्हों पै गए ने, मैं क्या ना भरावा लंगर वेख के ऐसी छट दे, किमें हो सकता है, क्यों जी? देखो जी ये गल देखो है ना, बैठे ही तो अब यहाँ यार टाइम शॉर्ट है, तो मैं करता हूँ जो है ना क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्यूए स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं, तो चलें करते हैं शुरू, फिर करते हैं क्यूएन स्टार्ट। ये मैंने ना अभी ओपन कर लिए हैं जो भाई ने किए हुए हैं मैसेज, तो पहला मैसेज है जो ना आसिफ मकसूद भाई ने किया है, उन्होंने बेसिकली ना 2-3 सवाल पूछे हैं। तो एक तो उन्होंने पूछा कि अमेरिकन कॉलेज जो है वो बैचलर डिग्री कोर्स में कितने दिन कॉलेज जाना पड़ता है वीक में, और दूसरा उनका सवाल है कॉलेज में जो जिम है वो इसी फी में ऐड होता है या अलग से फी पे करना पड़ता करनी होती है जो जिम की है। अच्छा, तो तीसरा सवाल है आसिफ भाई का, अमेरिकन कॉलेज के कैंपस कौन कौन सी कंट्रीज में है जहां मूव किया जा सकता है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गैदर करके इस पे वीडियो बनाए। अच्छा आसिफ भाई, चले मैं आपका जो पहला सवाल है ना उस पे आते हैं कि अमेरिकन कॉलेज जो बैचलर डिग्री है उसमें कितने दिन जो है ना क्लास में जाना पड़ता है। देखें जो डिग्री है ना अमेरिकन कॉलेज की जो बैचलर डिग्री है उसमें वैसे तो जो क्लासेस होती हैं वो वीक में 4 दिन होती हैं क्लासेस, लेकिन अगर आप 3 दिन भी जाते हो तो काम चल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 के 4 दिन जाओ। हाँ लेकिन आपको जाना पड़ता है, अटेंडेंस लाजमी लगानी पड़ती है, ये चीज़ है। उसके बाद जो आपने पूछा कि कॉलेज में जो जिम है, यार मैं तो जिम ज्वाइन नहीं की, ना ही मुझे इस चीज़ का इलम है, तो जहाँ तक मुझे अंदाजा है जिम जो है वो अलहदा होती है। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल में जिम जो है ऐड होती है, क्योंकि जिम हॉस्टल में, कॉलेज में तो जिम नहीं, तो वो हॉस्टल की फी के अंदर जिम आ जाती है अगर आप हॉस्टल लेते हो तो। और तीसरा सवाल है कि अमेरिकन कॉलेज के जो कैंपस है वो कौन कौन सी कंट्री है। यार जो यहाँ से अगर आप स्टडी मूव करने की बात करते हो ना, तो वो इतना इजी नहीं कि आप जो है ना आप जो 6 महीने पढ़ लिया, साल पढ़ लिया, तो अब आप स्टडी मूव कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री में, इतना इजी नहीं, डिफिकल्ट है।
और आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जा सकते। जो अमेरिकन कॉलेज है वो बेसिकली ज्यादातर इसका इतना हाई रैंक नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा जिसका हाई रैंक हो, जिस कॉलेज का रैंक अच्छा हो, वहां से आप स्टडी मूव करना इजी होता है। लेकिन इस तरह के कॉलेजेस में हो जाता है लेकिन डिफिकल्ट है। मेरे को ज्यादा इस पे नॉलेज नहीं कि किस किस कंट्री में अब इनके हैं, तो इस पे मैं बात भी नहीं करूँगा। अच्छा, जो दूसरा सवाल है वो है पवन वर्मा का, हाउ टू फ्रॉम साइप्रस टू अदर कंट्री, हाउ टू मूव फ्रॉम साइप्रस टू अदर कंट्री। भाई साइप्रस से दूसरी कंट्री आप जो है ना, आप यहाँ पर आते हो, जब आपको पिंक कार्ड मिल जाता है यूरोपियन का, तो आप यहाँ से जा सकते हो, विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो यूरोप की दूसरी कंट्री का। इस तरह आप लोग मूव हो सकते हो। और भी तरीके हैं, वो तो फिर आपको पता है पंजाबियों को है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो पूछा है मुहफ्फज महफूज डायरी नाम है यार उनका, कुछ इस तरह का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा जी, उनका जो सवाल है वो बेसिकली दो तीन है, मैं एक ही सवाल लूंगा उनका। वो उन्होंने पूछा जी, विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंडली एंड लो ट्यूशन फी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। उन्होंने पूछा जी, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो जो स्टूडेंट है उनके साथ उनका बिहेवियर फ्रेंडली है और उनकी ट्यूशन फी भी कम है। भाई बात करते हैं ट्यूशन फी की, सबकी सेम है। हाँ, मे बी किसी की कोई 500 ज्यादा है या 500 कम है, लेकिन जो है नॉर्मल, मैं जहाँ तक जानता हूँ सबकी सेम ही है। एलेक्जेंडर कॉलेज है, दूसरे हैं अमेरिकन है, कासा है, कासा की तो बात ही हाई लेवल है भाई। और लेकिन अगर फ्रेंडली बिहेवियर की बात करें तो सब जो है ना स्ट्रिक्ट है इस मामले में, कि क्लासेस की आपको अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, इस मामले में सब स्ट्रिक्ट है। तो अब आगे बात करते हैं, जो है ना हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड सवाल है वो पूछा है उसामा भाई ने, फाउंडेशन ईयर पर वीडियो बनाए। तो मैं भाई फाउंडेशन ईयर पर वीडियो जो है ना इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। बकायदा मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी बकायदा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जी। तो उसके बाद जो है ना जो अगला सवाल है नईम भाई का, नईम भाई का जो सवाल है वो है भाई, बैचलर के पर ईयर कितनी फी है वहाँ, और गर्ल्स के लिए कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बेस्ट है साइप्रस, और कौन सी सिटी बेस्ट है जिधर जॉब भी मिल रहे हैं। अच्छा, इनका ना मेरे को सवाल पर जब मैं, तो मुझे हंसी आ गई है कि बैचलर की पर ईयर कितनी फीस है। भाई जब आप जो फीस वहाँ पर देख कर आओगे वही फीस है। हाँ, जब आप फर्स्ट ईयर की फीस पे करते हो तो वो ऑलमोस्ट 5,000 है, 4,500 है, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आते हो, आप क्वालिफाई करते हो, तो फिर उसकी फीस जो है ना वो 2,000-2,500 के दरमियान हो जाती है। इससे ज्यादा नहीं होती, 2,000-2,500 के दरमियान ही होती है। और बात करें गर्ल्स की, कॉलेज सभी ठीक है, गर्ल्स के लिए कोई मसला नहीं है। आप देखो जी, सबने स्टडी करने ही आना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस तरह की। और अगर आप काम के लिहाज से सिटी की बात कर पूछ रहे हैं, तो सिटी जो है निकोसिया और लिमासोल, मैं इन दो सिटी को प्रेफर करूंगा, ये दोनों सिटी बेस्ट है जी। तो आगे चलते हैं यार, अगला सवाल है जिमी भाई का। उन्होंने पूछा जी, व्हेन कैन वन स्टार्ट देयर पार्ट टाइम अ बैचलर स्टूडेंट इन साइप्रस। उनके पूछ रहे हैं, उन्होंने कमेंट इस तरह करके किया, लेकिन उनका मतलब यही है कि हम पार्ट टाइम जो जॉब्स है वो कब से शुरू करते हैं, एज अ स्टूडेंट हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। कल वो वीडियो मैं जो है ना पोस्ट कर दूंगा, वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से। तो इनशाला कल जो है ना वो वीडियो पोस्ट हो जाएगी, आप बकायदा उस पर देख सकते हैं। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आपकी इमिग्रेशन हो जाए तो आप उसके बाद जो है ना पार्ट टाइम जॉब जो है वो कर सकते हो, लेकिन आप डिग्री में हो, तो अगर आप फाउंडेशन ईयर पर हो या आप स्कूल में हो तो नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाती है साहब। अच्छा जी, अगला सवाल है, ये नाम तो नहीं मेरे को से पढ़ा जा रहा जो भी लिखा हुआ है भाई ने। तो उन्होंने पूछा कि साइप्रस में रह के आप अच्छा अर्न कर सकते हो क्या, और आपको मुझसे पूछ रहे हैं कितनी देर हो गई है, और पाकिस्तान से आना चाहिए क्या। तो यार मेरे को तो जो है साइप्रस में 3 साल हो गए हैं, मेरे को तो बहुत अच्छी कंट्री लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, और कमाई के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। और अर्न अगर आप देखो जी, आप जितना कह लेंगे मेहनत करोगे उतना आप अर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इधर बोल लोग भी हैं जो 3-3 हज़ार महीने का अर्न करते हैं, वो भी हैं जो 500-600 अर्न करते हैं, दोनों चीजें हैं, ये बात है। तो ये कुछ सवाल थे, एक दो सवाल हो रहा है भाइयों का। एक मैर मैरी करके नाम है भाई का, उन्होंने पूछा था भाई, साइप्रस में स्पाउस वीजा के साथ रखना इजी है कि नहीं, मतलब कि अगर आप लोग आओ तो आप सपोज कर सकते हो किसी को कि नहीं। तो भाई ये जो है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मास्टर वालों के लिए ऑप्शन होता है, लेकिन डिग्री बैचलर वालों के लिए मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, ये जो है ना इतना इजीली नहीं होता कि आप जो है ना स्पाउस कर सको किसी को।
और दूसरी बात, पेपर भी आपके पास होने चाहिए, तो वो यहाँ पर तो के उसके बाद उन्होंने एक सवाल और पूछा कि भाई बंदा मंथली कितनी सेविंग कर सकता है अगर उसका एक्सपेंसेस जो है वो 300 से 400 यूरो आ रहे हैं। भाई जो मंथली आप उसकी सेविंग्स की बात कर रहे हैं ना यार, वो तो आप जो है ना, आप इजीली अगर आप 1,000 कमाते हो तो कह लो कि 600 आप बचा सकते हो, 700 बचा सकते हो, वो आपके ऊपर होता है यार, आप कितना खा लो कितना उड़ा लो, बाकी तो बचता ही है, ये चीज़ है। तो उसके बाद यार एक जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, मैं वो ही लूंगा, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे क्योंकि पहले काफी बड़ा हो चुका है। तो यार उसके बाद फिर एक उसामा भाई का दोबारा मैसेज है, मतलब उनके 3-4 दफा उन्होंने किए हुए हैं कमेंट्स, सवाल पूछे हुए हैं यही कि भाई जो है ना फाउंडेशन ईयर पर वीडियो बना दे। तो भाई फाउंडेशन ईयर पर मैं वीडियो का लिंक बकायदा डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, आप लोग चेक कर लेना, और मैं जो कल बकायदा फिर थोड़ी सी बात फाउंडेशन ईयर पर करूंगा, तो कल भी आपको एक नई वीडियो फाउंडेशन ईयर पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ यार ये क्वेश्चन आंसर थे जो दोस्तों ने पूछे हुए थे। यार साइप्रस जो है ना, सब बंदे के जहन में यही बात होती है कि भाई साइप्रस जो है ना अर्निंग कैसी है, साइप्रस कंट्री कैसी है, हम लोग जाएंगे, रहाइश का क्या होगा, ये क्या होगा। यार पहले आप लोग आ जाओ, आप लोग नियत बना लो भाई जाएंगे तो देख लेंगे, जब आप लोग यहाँ पर आ जाओगे ना सब कुछ सॉल्व आउट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वहां पर ही टेंशन होती है, लेकिन जिस दिन आप साइप्रस में आ गए, आपने एयरपोर्ट से बाहर आ गए, फिर अब कुछ ना कुछ हो जाना, फिर कोई ना कोई हिला बन जाता है, कोई प्रॉब्लम। तो इसी के साथ मैं करता हूँ आप आज का ब्लॉग खत्म, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।